कद्दू की सब्जी तैयार है डियर व्यूअर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम आपके लिए बनाने के लिए जा रहे हैं डिनर के लिए कद्दू की सब्ज़ी। एक अदद प्याज लिया हमने, एक अदद बड़ी साइज़ का हमने टमाटर लिया, इसकी खाल उतार लिए और बीज भी हम निकालेंगे। और ये कद्दू है, इसको हम काटेंगे और पकाएंगे। और जो आज हम पकाने जा रहे हैं मिट्टी के बर्तन में, हांडी में, तो हमने हांडी को साफ़ करके चूल्हे पे चढ़ा दिया है। उसकी आग भी हमने जला दी है ताकि ये जल्दी से हीट हो जाए। तब तक हम इसकी कटिंग करते हैं। दो हिस्सों में हमने निकल लिया इसको, मैं आपको अंदर से दिखाना चाह रहा हूँ। देखें, इसके बीच हम निकालेंगे, खाल उतारेंगे, इसके बाद हम इसको बनाएंगे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने हाफ कद्दू इस्तेमाल किया है, हाफ को हम सेव कर रहे हैं फ्रिज में। और एक अदद प्याज है, बहुत सख्त सब्ज़ी है जो मैंने बड़ा नाइफ उठाना पड़ा। यहाँ पर एक अदर प्याज हमने शामिल कर दिए और ऑलिव ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पे शामिल किया है। हम इस ऑलिव ऑयल में इसको फ्राई करेंगे, गोल्डन करेंगे। इसके बाद एक अदर टमाटर हम शामिल करेंगे और टमाटर के बाद इसके अच्छी तरीके से पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया मसाला पाउडर ये हम इसमें शामिल करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून हमने इसमें यहाँ पे शामिल कर दिया है। एक अदर टमाटर हमने यहाँ पे शामिल कर दिया है। ये तमाम स्पाइसेस, नमक, हसबे जायका, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा, ये यहाँ पर हम शामिल करने जा रहे हैं। तमाम स्पाइसेस को अच्छे तरीके से हमने भुनाई कर लिए और यहाँ पर भी हम कद्दू को शामिल करने जा रहे हैं। कद्दू जो हमें अपने शामिल कर दिया है, तो इसकी अच्छी तरीके से भी हम भुनाई करेंगे। और ये हमारी कद्दू की सब्ज़ी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है। इसके घर में रहमत के फरिश्ते आते हैं, 70 बीमारियों के ऊपर ये उतरती है, उनको शफा देती है। ये सब्ज़ी को सीज़न में एक बार या दो बार ज़रूर खाया करें, बच्चों को भी खिलाएं।
अब यहाँ पे हम ढक्कन देकर इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट तक इसको हम छोड़ेंगे जब तक पानी खुश्क हो जाए, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक।